नमस्कार, आपका स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। आज हम लोग आपको एक ऐसे बच्चे से रूबरू कराएंगे जो सच में नॉलेज का भंडार माना जाता है। कहा जाए तो गोपालगंज का एक छोटा सा गूगल बॉय। अभी 3 साल पहले आपको एक कौटिल्य पंडित के बारे में आप जाने होंगे। मैं मानूं तो ये सच में वो भी कौटिल्य पंडित ही है जो एक गोपालगंज से उभरता हुआ चेहरा है जो गूगल बॉय के नाम से जाना जा रहा है। आज हम उसी के गाँव में पहुँचे हैं, जादवपुर के दुखेरन के दुबे टोला में। और आज हम जानेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी रीज़न है, क्या ऐसा सीक्रेट छुपा हुआ है उस बच्चे के अंदर, उसके जो बैकग्राउंड में वो रहता है, आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो उसे इतना इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और 5 साल, महज 5 साल के उम्र में उस बच्चे के अंदर क्या ऐसी खासियत है जो इतना सारा चीज़ उसका माइंड कैप्चर कर रहा है और इतना सारा चीज़ अपने माइंड में वो एक्यूमुलेट करके रख पा रहा है, उसे अपने आप पे ऐसे डोमिनेट करके रख रहा है कि वो आगे जाकर आने वाले 2 साल 3 साल 5 साल में वो बहुत आगे जा सकता है जैसे अभी चल रहा है। आज हम लोग उनके पापा जी से भी बात करेंगे। और मैं बता दूं कि यही उनका घर है, देख सकते हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग। और ये भी कहा जाता है कि टैलेंट किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो गरीब होते हैं वो अमीर नहीं बन सकते हैं, जो अमीर हैं वो सिर्फ अमीर बनेंगे। ये तो कहा जाता है कि जो अमीर होते हैं वो ज़्यादा अमीर बनते हैं, जो गरीब होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक ऐसा बच्चा इस घर में पैदा लिया है जो इस छोटे से कुटिए को ऐसे एक दिन बदलेगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कल 10 तला का मकान बन जाए। यहाँ पे उनके पापा का जो सीना 56 इंच का है वो जब चले किसी रोड पे तो उन्हें प्राउड फील हो कि मैंने एक ऐसा सिर पैदा किया है जो मुझे आज इतना गर्व महसूस होता है। और वो जब रास्ते पे चले तो उन्हें लगे कि मेरा सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 156 इंच का हो गया। और आज उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानों से जानेंगे कि आखिरकार क्या रीज़न है। बाकी आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गाँव है और छोटा सा एक कस्बा है, छोटा सा घर है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे वो सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती होगी जो उस बच्चे के लिए ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक कोशिशें होंगी कि अभी तक जिस तरह बच्चा का वीडियो वायरल हो रहा है, हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को वहाँ तक पहुँचाया जाए जहाँ से इसे कुछ मदद मिल सके और पढ़ सके लाइफ में और बहुत आगे जा सके। उससे पहले मैं बता दूँ कि उससे बात करने से पहले आप इस वीडियो क्लिप को जरूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप कितना मोटिवेट हो रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं इस बच्चे के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तो आइए मिलते हैं उस गूगल बॉय से और उस गूगल बॉय के पिताजी से। स्वागत है आपका आरडीआई टॉक्स में। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र राम है। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि महज 5 साल के एज में आपका बच्चा, जिसे हम लोग आज गूगल बॉय के नाम से जान रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो बच्चा गूगल बॉय है, क्या ऐसा सीक्रेट है, क्या ऐसा चीज़ है, आपने क्या किया है जिसकी वजह से आज वो महज 5 साल के एज में बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो गया है और काबिल हो गया, वो समझने के काबिल बन चुका है। जी, ये भगवान की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है जो कि लड़का थोड़ा बहुत पढ़ रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा एक और चीज़ कि आप करते क्या हैं। जी, मैं मजदूरी करता हूँ।
मजदूरी में वैसे क्या करते हैं? जी मैं काम करता हूँ, यही घर जो बनता है उसी में काम करता हूँ। इतना सारा चीज़ हर्डल्स होने के बावजूद, इतनी सारी समस्याएं, आप सुबह से निकलते होंगे, शाम तक बहुत मेहनत करते होंगे, रात को आते होंगे तो थक जाते होंगे, फिर कैसे ये सारा चीज़ मैनेज करते हैं और इसे कैसे इतना काबिल बनाने की ओर आप अपने मतलब अंदर की शक्ति को ऐसे जगा रहे हैं क्या इसे आप काबिल बनाएं? क्या ऐसी राज है, क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर? सर मैं इसको रोज दो सवाल याद कराता हूँ प्रतिदिन। तो मैं काम करने अगर जाता भी हूँ तो सुबह पढ़ाता हूँ, फिर काम करके आता हूँ तो इसको पढ़ाता हूँ। जी यही मेरा मतलब, यही परिश्रम करता है लड़का कि सुबह शाम पढ़ता है। एक चीज़ मुझे बताइए कि आप किस क्लास तक आप पढ़े हुए हैं? जी मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। आप 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं और इतना काबिल इसे बना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बिग सैल्यूट देता हूँ कि आप इस चीज़ को समझने के काबिल हैं कि आप अपने बच्चे को ये चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा जरूर लाइफ में कुछ बने। तो क्या नाम है छोटू तुम्हारा? आशीष कुमार। और क्या करते हो? पढ़ते हैं। किस क्लास में? क्लास में नहीं पढ़ते हैं। क्लास में नहीं पढ़ते हो, सिर्फ घर पे पढ़ते हो? पापा जी पढ़ाते हैं और ट्यूशन पढ़ते हैं। ट्यूशन पर करते हो, कौन कराते हैं ट्यूशन? सर जी। कौन सर? रितेश सर जी। अच्छा आते हैं, पढ़ाते हैं आपको? क्या पढ़ाते हैं उसमें? इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके? वो पढ़ाते हैं ज्ञातक, किस का ज्ञातक, और ABCD छोटका ABCD, दूसरे को इस तक पहाड़ा, विनी वन से तक। अच्छा तुमको ये पता है, तुमको लोग गूगल बॉय के नाम से जानते हैं, तुमको पता है? बताइए। नहीं पता है? तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम गूगल बॉय हो और आज से तुम याद रखना है कि तुम एक गूगल बॉय हो। और अभी मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा जैसे मैंने कि रिसर्च किया है तुमसे पूछने के लिए, और मैं वो सारे सवाल पूछूंगा अभी तुमसे और देखते हैं कि तुम, जैसे मैंने बोला कि तुम गूगल बॉय हो तो क्या तुम उस जवाब को, उस सवालों का जवाब दे पाते हो, दे दोगे, उतना काबिल हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, साहस है? तो चलो पूछते हैं सबसे पहले तुमसे कुछ सवाल जो मैंने रिसर्च की है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे ये है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नहीं दिल्ली में। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ है? देहरादून में। ओके। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज? हॉकिंस। ओके बहुत अच्छे। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 517 ईसा पूर्व में। ओके। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे उतरा था? कालीकट बंदरगाह पर। बहुत अच्छे। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन थिरोल। क्या? वैलेंटाइन थिरोल। ओके। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। फिर से? रॉलेट एक्ट को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व का लंबा पर्वत माला कौन सा है? एंटीजोसिन अमेरिका। पंडित भीम सेन कौन थे? हिंदुस्तानी गायक। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आई एम रियली शॉक्ड कि महज 5 साल की एज में मैंने बहुत रिसर्च की है इस क्वेश्चन पे। मैंने जब मुझे लगा कि मुझे जब इंटरव्यू लेने जाना है तो मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस को देखा और मैंने सोचा कि कौन सी क्वेश्चन इस बच्चे के लिए बेस्ट होगी, और मैंने बेस्ट क्वेश्चन 10-12 मैंने बनाया और बेहिजक विदाउट एनी हेजिटेशन इस बच्चे ने उस क्वेश्चन का जवाब दिया। एंड आई एम रियली शॉक्ड, मैं बता दूँ कि आई एम रियली शॉक्ड, और अभी मुझे सच में ये यकीन हो रहा है कि ये सच में एक गूगल बॉय है। अगर मैं और भी क्वेश्चन लाता तो मुझे उम्मीद है कि ये बता पाता, लेकिन मैंने 10 ही क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, 10-12 क्वेश्चन ही रखा है। अब जानेंगे इससे कि लाइफ में क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहते हो लाइफ में? कलेक्टर। कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो? कलेक्टर नहीं पता, कोई नहीं, बस इतना 5 साल की एज में इसे ये पता है कि मुझे कलेक्टर बनना है और कलेक्टर बन के देश की सेवाएं करनी है। ये सोच इसके अंदर कहाँ से आया? सर ये पढ़ता क्या है? क्या मुझे एक बात बताइए, क्या इसके दिमाग में किसी ने भरा है कि तुमको कलेक्टर बनना है, या सिर्फ ये खुद बोलता है? ये खुद बोलता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा क्योंकि हमारे आदरणीय चाचा जी श्री अलोक कुमार सुमन जी जो पूरे गोपालगंज के गौरव हैं।
उन्हीं के तरह ये भी गौरव बनना चाहता है। जी मैं बता दूं आपको कि मैं जिस गांव में बैठा हूं इसी गांव से हमारे गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो पेशे से एक डॉक्टर भी हैं और अभी हमारे गोपालगंज के लिए और कहा जाए तो पूरे देश की भी सेवाएं कर रहे हैं एक सांसद के रूप में, गोपालगंज के लिए बहुत अच्छे एक इंसान माने जाते हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि वो अच्छे काम करते रहें और ऐसे ही हमारे पूरे गोपालगंज को डेवलप करते रहें। और उन्हीं के गाँव से एक बच्चा अभी गूगल बॉय निकल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये काफ़ी अच्छा कुछ करेगा और लाइफ में बहुत आगे जाएगा और देश की सेवाएं करेगा। लेकिन इस सब के पीछे कहीं ना कहीं अब एक परिवार की हाथ होती है, एक माँ बाप की हाथ होती है कि माँ बाप की परवरिश कैसी होती है। लोग बोलते हैं कि माँ बाप जो परवरिश अपने बच्चों के करते हैं वैसे ही बच्चा वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि इनके पापा कैसे परवरिश कर रहे हैं और ये बच्चा कैसे बन रहा है। तो थोड़ा सा कुछ ऐसा बताइए जो मतलब सच में आप हमेशा दिल से करते हैं कि ये हमेशा आगे बढ़े, ये सीखे, क्या ऐसा वो चीज़ है। देखिए सर, मैं जो भी सवाल इसको याद कराता हूँ ये याद कर लेता है, तो मैं फिर अगले दिन दूसरा सवाल याद कराता हूँ, फिर जो कल याद कराया था वो फिर मैं पूछता हूँ, तो याद करते जाता है करते जाता है। इसीलिए इसी तरह सवालों की मतलब ढेर सारी कॉपी है। अच्छा ये बात बताइए कि 5 साल का है, क्या आपका बात हमेशा फॉलो करता है? क्योंकि आजकल तो 5 साल के बच्चे एकदम खेलते हैं कूदते हैं, बात ही नहीं मानते हैं किसी का। जी नहीं तो ये मेरा बात मानता है क्योंकि ये मैं इसको संस्कार दिया हूँ कि बात मानना चाहिए, ये पढ़ता है, जो भी सवाल याद कराता हूँ कर लेता है, तो इसको मैं अपने साथ कहीं भी लेकर जाता हूँ। जी और कितना घंटा इसे आप डेली पढ़ाते हैं, सुबह में या शाम में या कब? सर कोई लिमिट नहीं है, टाइम मिल जाता है तो मान लीजिए कि 2-3 घंटा पढ़ाता हूँ, नहीं तो शाम सुबह ये कंटिन्यू। क्या आपका ये डिसिप्लिन पालन करता है? जी बिल्कुल करता है, क्योंकि सर इस लड़के को शुरू से ही बचपन से जब ये 2 साल मतलब 3 साल का था तब से इसको मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। अभी 3 साल का नहीं था तब तक ये 30-40 राजधानी याद कर लिया था, उसी समय से पढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ये चीज़ें हमेशा सुनी हैं और आप लोग भी सुनते हों कि भारत की धरती सोना उगलती है, और ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि आज मेरे सामने जो दो शख्सियत बैठे हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा और उसके पिताजी, ये इसका एग्जांपल है। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से कस्बे से, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि अपने लाइफ स्टाइल को बहुत लग्जरियस तरीके से जी सके, मेगा लिविंग की तरफ बढ़ सके, उतना पढ़े भी नहीं है कि एक कहीं अच्छा खासा किसी कंपनी में जाकर जॉब कर सकें और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकें, लेकिन महज मात्र 10वीं तक पढ़े हैं और 10वीं तक पढ़कर अभी कुछ गुजर बसर करने के लिए कुछ पैसे कमाते हैं, जाते हैं लेबर में काम करते हैं, और इसके बावजूद ये सब होने के बावजूद उनके अंदर हौसला देखिए। एक अपने घर में एक ऐसे शेर को पाल रहे हैं, एक ऐसी बच्ची को पाल रहे हैं कि आने वाले समय में पूरे देश की शान बनने वाला है, और ये चीज़ शो करता है कि हमारे देश जो हमारा भारत है इस भारत की धरती सोना उगलती है, और ये बात बिल्कुल सच है। आपको कैसा लगता है कि आपका बेटा इतना छोटा है और इतना आगे बढ़ रहा है? जी ये हमारे गांव का गौरव है, क्योंकि हमारे गांव का पूरा गोपालगंज जिला का गौरव है, इसलिए कि ये बहुत इस सारे लोग इसको बोलते हैं कि हाँ ये लड़का आगे चल के बहुत नाम करेगा। जी अच्छा ये बताइए, जब आप इस रोड से गुजरते होंगे अपने गांव में जाते होंगे कहीं पे तो कैसा लगता है? जी लोग बोलते हैं ये आशीष का पापा है, पापा। यानी आज आप अपने बेटे के नाम से आप जाने जाते हैं, आपकी वजह से आपका बेटा नहीं जाना जाता है, इसकी वजह से आप जाने जाते हैं। मैं जाना जाता हूँ, ये सच है सर। और यही बात मैं शुरू में बोला था कि जो 56 इंच का सीना है वो 156 इंच का हो जाएगा, और शायद यही चीजें यहाँ पे हो रही है। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका सीना अब 156 इंच का हो गया? जी महसूस होता है, क्योंकि अभी तो इसका उम्र 5 साल है, जब ये इतने कम उम्र में इतना ज्यादा नाम किया है तो मेरे को भगवान पे और आप लोगों पर विश्वास है कि ये बहुत और भी ज्यादा नाम करेगा। दोस्तों आप लोग से हमेशा गुजारिश रहता है मेरा, और हमेशा गुजारिश रहेगा कि जो भी माँ बाप हैं उनके पास पैसा है नहीं है, वो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल आप इस चीज़ से घबराइए मत कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं गरीब हूँ। आप अपनी आपको कभी गरीब समझिए ही मत, क्योंकि जिस दिन आप अपने दिमाग को ये बताएंगे कि हम गरीब हैं उस दिन सच में आप गरीब बन जाएंगे। आपके पास पैसे नहीं है ना, फिर भी आप ये मत समझिए कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं गरीब हूँ, बिल्कुल आप अपने आप को ये मत सोचिए। यहाँ पर ये उदाहरण है, आप जिस दिन से ये सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं मेरे अंदर शक्ति है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकता हूँ, मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत आगे लेकर जा सकता हूँ, आज भले मेरे घर में पलानी का घर है मेरा,
लेकिन आने वाले समय में मैं एक बहुत अच्छा बिल्डिंग बना सकता हूँ, तो उस दिन से आपकी कामयाबी की सीढ़ियाँ शुरू हो जाएंगी और आपके अंदर वो साहस आने लगेगा, आपका दिमाग वो हार्मोन्स रिलीज करने लगेगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ानी है, और ये चीज़ यहाँ से शक्ति पैदा होने लगेगी। तो इसलिए आप लोग कभी ये मत सोचिए कि मैं गरीब हूँ और मुझे लोग नीचे तरीके से देखते हैं, मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं। दुनिया कुछ भी बोले, अगर आपको लगता है ना कि आप जो कर रहे हैं वो सत्य है, तो अंधा एकदम हो जाइए और काम करते रहिए, कान बंद कर लीजिए, लोगों की बातें मत सुनिए और आगे बढ़ते रहिए, चाहे लोग कितना भी आपको नीचा दिखाएं। शायद कभी 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 के तो ऐसा इनको लगता ही होगा कि यार क्या पता ये बन पाएगा भी या नहीं बन पाएगा, मेरे पास पैसे उतने नहीं है। क्या आपको ऐसा कभी लगता है? नहीं, ये बनेगा, क्योंकि मैं और ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं। मैं पढ़ाने में मेहनत करता हूँ और ये पढ़ने में मेहनत करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको देख के गांव के जितने भी लड़के हैं वो भी मतलब प्रभावित हैं, पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यानी अभी 5 साल की एज में एक इंस्पिरेशन बन चुका है लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन गया होगा कि यार, किसी और के माँ बाप जरूर ये सोचते होंगे कि यार उसका तो बेटा 5 साल का है तो इतना इंटेलिजेंट है, क्यों ना मेरा बेटा हो। तो पता है, एक के वजह से लाख बदल जाएंगे, और ऐसे ही होते रहा ना तो हमारा इंडिया, हमारा जो भारत है ना, एक दिन इतना इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें साइंटिस्ट, कलेक्टर, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हो जाएंगे ना कि हमें कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए मुहताज नहीं होना पड़ेगा, हर एक चीज़ की सुविधाएँ हमारे इंडिया में होगी। और इसके लिए मैं खुद पे प्राउड फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत सौभाग्य फील हो रहा है कि मैं आपके पास आया हूँ और इस बच्चे से मैं बात कर रहा हूँ, और ये मेरे लाइफ का सबसे पहला ऐसा चीज़ है जहाँ मैं एक छोटे से बच्चे से इतना सारा चीज़ सीख रहा हूँ। और आपसे तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ कि आप इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए आप खड़े हैं और अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। कुछ मेरे जनता के लिए आप बताइए, आप कुछ माँ बाप के लिए कुछ जो भी है। नहीं, कोई भी अगर किसी का भी लड़का है, अगर वो अपने लड़के को माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेहनत करेंगे तो ज़रूर पढ़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो लोग हैं माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान कम देते हैं, अगर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो वो भी बहुत आगे जाएगा लड़का, हर किसी का। जी, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त दोस्त हैं? दोस्त बनाना ज़रूरी है ना लाइफ में, अकेले थोड़ी रहोगे, दोस्त बना लो लाइफ में, ठीक है। बाकी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं आज सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका हूं, क्योंकि जब हम घूमते हैं ना और ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी उनके मन में बहुत कुछ होता है, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, तो पता है ये सब देखने के बाद से मुझे साहस मिलती है कुछ लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए, और जज्बा पैदा हो जाता है अंदर कि मैं भी कुछ लाइफ में बहुत आगे जा सकता हूँ, बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, और ऐसे ऐसे लोगों की हेल्प करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और उस चीज़ को दिखाएँगे, क्योंकि अपने चैनल का मकसद है रियलिटी दिखाना और हम लोग हमेशा रियलिटी दिखाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा है आप चैनल वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।